सरकार का एक बोल के सीने का। रात को भी मैंने अपनी मर्जी की आपके कदमों को छू के, तो आपके कदमों को छू के एक बोल आपकी दादी की शान में जिसके सबके से ये जिनके सबके से ये सादात हैं, मैं उसकी शान बयान करने लगा हूँ, क्योंकि उनकी शान अगर कोई बयान कर सकता है तो सिर्फ खुदा की जात है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। अगर इनकी शान इन्नामा युरीदुल्लाहु वा अंतुम रिज्सा अहलिल बैत का वा युताहिरा कुम ततहीरा। खालिद फरमाने लगे मैंने इनको ऐसे पाक रखा, उतना पाक रखा जितना पाक रखने का हक था। इल्मे नबी की वारस तनहा बतूल थी, पर्दा नशी न होती तो बिल्कुल रसूल थी। तो बिल्कुल रसूल थी। तो कहने लगे ये कलीजे खुदा का जिनकी शान में मैं कसीदा पढ़ने लगा हूं, माड़ी वाले की दादी का नाम है, हुसैन की मां का नाम है, अल्लाह की बतूल का नाम है, क्योंकि बतूल से कहा जाता है जो अपने बाप की भी मां, जो जाते वजह रसूल होती है, दुआ उसी की दुआ से कबूल होती है। ये बात हमने सुनी जुबाने अहमद से, जो अपने बाप की भी मां हो बतूल होती है। तो फिर क्या कहने लगे, हरी में कल्बो नजर की अजा हुसैन की मां, जहां जहां भी रिसालत वहां हुसैन की मां। अली के लाल तेरे जिक्र का करम बरना, ये गरीब खाना कहां और कहां हुसैन की मां। सरकार ने इरशाद फरमा दिया, जवान आने जन्नत के सरदार हैं हसन हुसैन, और जन्नत की औरतों के सरदार हैं जनाबे फातिमा ज़हरा। तो कायनात का आसरा कौन है, सरदार दो जहान। कायनात का आसरा कौन है, सरदार दो जहान। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ सैयद के कदमों में बैठ के कि सरदारे दो जहान का आसरा कौन है। नबी है आसरा, नबी है आसरा कुल जहान का, नबी है आसरा, नबी है आसरा कुल जहान का। ये भी जन्नत की है ना, जन्नत के वसनीक है ना, जनाबे खदीजा, जनाबे मरियम, जनाबे आसिया, जन्नत के वसनीक है ना। तो फिर क्यों ना कहूं खदीजा आमना
ते हवा आसिया जिंदा राम नवाज ने फरमा दिया शाह अस्तर हुसैन बादशाह अस्तर हुसैन दीन अस्तर हुसैन दीने पनाह अस्तर हुसैन आज मैं माड़ी वालों के कदमों में बैठ के बात कर रहा हूं अगर हुसैन शाह अस्तर हुसैन है तो किसका सरकार है अगर हुसैन शाह अस्तर है तो सरकार ये किन का सरकार है ये शास्त्र हुसैन है तो मालिक किन का सरकार है शास्त्र जहरा दादारे अपनी मां दी बचा का खाना आबाद करने वाले अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील अरे मेरा एक जी चाहता मेरा दिल करता है जबरील कहने लगा मौला क्या करता है दिल अल्लाह फरमाने लगे जबरील मैं चाहता हूँ आबाद मेरा घर हो जबरील मैं चाहता हूँ आबाद मेरा घर हो लावल्द के घर पैदा एक नन्ना सा दिलबर हो लावल्द के घर पैदा एक नन्ना सा दिलबर हो तो कहने लगा मौला इसमें रुकावटें बहुत आएंगी तो खालिक फरमाने लगे कोई जो रुकावट हो रस्ते से हटा दे कोई जो रुकावट हो रस्ते से हटा देना परवाह नहीं काबे की दीवार गिरा देना क्योंकि मेहमान की आमद पे लाजम है नया घर ये मेहमान नया है इसके लिए घर भी नया होना चाहिए तो जनाबे मरियम को पता चला क्या मरियम कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर ओ मालिक हया है मां हुसैन की